Hello everyone, myself Dr. Megha Mallika Neja. I am OBS and Gynae Specialist and Infertility Specialist practicing in Delhi. Aaj, we would like to talk on the topic that what a doctor-patient relationship should be, which I think is very important topic in these times. See, because aaj ke time pe patient ka ek bharosa, jo faith doctor pe pehle hota tha, that is not there. Doctor ka ek bharosa apne patient par ya wo जिस पॉजिटिविटी से वो ट्रीट करते थे पेशेंट को, वो आज नहीं है. सो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन टुडेज टाइम. सी फॉर मी, व्हेन आई बिकेम अ डॉक्टर, आई ओनली बिकेम बिकॉज आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. इट वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी. आई लव दिस जॉब. आई लव इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स, उनको समझाना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको काउंसलिंग देना, उनको साइकोलॉजिकल कम्फर्ट देना, उनकी हर प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट लिखना. जब वो पेशेंट बेटर फील करता है या आपके सामने खुश होकर आता है, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करके लाता है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलती है, आई थिंक वो डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस आई वुड लाइक टू से कि आज हमें भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, ये रिमाइंड कराना चाहिए अपने आप को कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है, दैट पेशेंट हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स. उसके लिए मेंटल स्ट्रेस भी है, फिजिकल उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई दैट पेशेंट इज कमिंग टू अस. सो वी शुड बी काम टू द पेशेंट. वो कम्फर्ट उसको दें, 2 मिनट्स 3 मिनट्स का टाइम उसकी बातें सुने, उसको काउंसलिंग दे. सो दैट विल इम्पैक्ट अ लॉट टू द पेशेंट. मेडिसिन के साथ साथ उसको जो साइकोलॉजिकल एक काउंसलिंग मिलता है, जो एक कम्फर्ट एक डॉक्टर दे सकता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. प्लस इसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट भी ज्यादा पॉजिटिविटी या फिर ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ पेशेंट पे इफेक्ट करेगा. सो दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. सी व्हेन एक पेशेंट कम्स टू अस, उसकी पूरी फैमिली हमारे साथ बॉन्ड हो जाती है. दैट वी शुड थिंक कि उसकी फैमिली के लिए जो पॉजिटिविटी या जो आप डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे रहा है या उससे बातें कर रहा है, वो पूरी फैमिली के लिए वो डील करते हैं, पूरी फैमिली से फिर वो आपको कंसल्ट करते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस पेशेंट को आराम से समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना. और कई बार पेशेंट अगर स्ट्रेस है या वो आपसे ऐसे कुछ डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो आई थिंक वी शुड क्लियर देयर डाउट्स. पेशेंट को पूरा राइट है ये जानने का कि वो क्या ट्रीटमेंट ले रहा है, वो दवाई क्यों लिखी जा रही है, तभी वो आप पे वो फेथ बना पाएगा. प्लस हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब हम उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ उसकी होलिस्टिक अप्रोच की तरफ अप्रोच देना चाहिए. मेडिसिंस की है, उसकी काउंसलिंग है, उसको कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और समझाना है, जनरल उसको मेडिकल कुछ हमें नॉलेज देनी है, तो उस पूरे टाइम उसके लिए हमें उसको 2-3 मिनट्स पेशेंट के साथ डिस्कशन जरूर होना चाहिए. आई थिंक देन इफ यू डू दिस, यू विल एंजॉय योर प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, विच आई एम बीइंग. एंड आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर एंजॉइंग देयर प्रोफेशन. दे लव द वर्क दे आर डूइंग. बहुत लिमिटेड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को प्रॉपरली डील नहीं कर पाते, जिससे कि इस प्रोफेशन की इमेज खराब हो रही है, बट दैट इज वेरी माइनर. उसकी वजह से हमारी पॉजिटिविटी या हमारे थॉट प्रोसेस पे नहीं डिफरेंस आना चाहिए. सो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल, एंड एंजॉय योर प्रोफेशन एंड कीप डूइंग इट.